अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। प्रीति, मैं तुम्हें ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटी समझ के उठा लाया था। मैं ठाकुर गजेंद्र की बेटी नहीं हूँ, मैं ठाकुर मनजीत की बेटी हूँ। ठाकुर गजेंद्र मेरे ताऊजी है, मीना उनकी बेटी है। नो, तुम यहाँ रोने के लिए नहीं आई थी, पापा को ढूंढने आई थी ना, पापा को ढूंढने आई थी यहाँ पे। Stop crying! I said stop crying! दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूँ वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और वो एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में CEO बनना चाहती थी। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, वो बन गई एक एक्ट्रेस और वो है द वेरी ब्यूटीफुल मयूरी कांगो। हेलो, हाय, तुम स्वीटी हो ना, राइट? नाइस मीटिंग यू। तुम 18 साल की हो, तुम पढ़ी लिखी हो और तुम समझदार भी हो, राइट? क्या फायदा, पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ही फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई MLA का, खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना। 15 अगस्त 1982 में पैदा हुई थी मयूरी औरंगाबाद में एक महाराष्ट्र फैमिली में। उनके पिता एक पॉलिटिशियन थे और उनका नाम है भालचंद्र कांगो। मयूरी की माँ एक फिल्म और थिएटर एक्ट्रेस हैं और उनका नाम है सुजाता कांगो। और हम आपको ये बताएं कि मयूरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं। मयूरी ने अपनी स्कूलिंग की सेंट फ्रांसिस स्कूल से, जो औरंगाबाद में है, और एडुकेशन कंप्लीट की औरंगाबाद के देवगिरी कॉलेज से। मयूरी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और उनका एक सपना था कि बड़े होने के बाद वो एक बड़ी कंपनी में CEO बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मयूरी 12th स्टैंडर्ड में थी तो वो औरंगाबाद से मुंबई आ गई, क्योंकि उनकी माँ मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहां सेट पर मशहूर राइटर और डायरेक्टर सईद अख्तर मिर्जा ने मयूरी को देखा और बहुत मुतासर हो गए और फौरन अपनी फिल्म की ऑफर दे दी। मयूरी ने बहुत सोचा क्योंकि उस वक्त वो पढ़ रही थी, लेकिन फिल्मों का ग्लैमर देख के और इतनी अच्छी ऑफर पाकर वो फिल्म को मना नहीं कर पाई और फिल्म एक्सेप्ट कर ली। फिल्म का नाम था नसीम, जो आई थी 1995 में, और उसमें मयूरी ने नसीम का रोल प्ले किया था, यानी टाइटल रोल। मयूरी कहती हैं कि इस फिल्म यानी नसीम में मुझे दिग्गज उर्दू पोएट यानी लेजेंडरी कैफी आजमी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। कैफी आजमी साहब यानी शबाना आजमी के वालिद। दादाजान, दादाजान, आज मेरा आखिरी पर्चा है। सीना, आपका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, दवाइयां ली आपने? जरा वो अखबार पकड़ा दो। इतने बुखार में अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? ये भी एक आदत है जानू। मैं पढ़ देती हूँ। नसीम ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन मयूरी को फायदा हुआ। मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर महेश भट्ट ने ये फिल्म देखी यानी नसीम, और फौरन अपनी अगली फिल्म के लिए मयूरी को साइन कर लिया। फिल्म का नाम था पापा कहते हैं, जो आई थी 1996 में, और मयूरी के ऑपोजिट थे जुगल हंसराज। और ये बताना बहुत जरूरी है, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट था। मिस्टर आनंद की बेटी क्या 75 साल की बुढ़ी होनी चाहिए? मिस्टर आनंद को तो अपने मंगेतर का इंतजार था। जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। अरे याने, 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 याने कि आप नाखुश हैं, मंगेतर के जगह बेटी आ गई। इस फिल्म के बाद यानी पापा कहते हैं के बाद मयूरी ने अपना पूरा फोकस फिल्मों पे कर लिया और कुछ फिल्में और साइन कर ली, जैसे बेताबी, होगी प्यार की जीत और बादल। हमारे यहाँ लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं है शीना। वैसे भी इंसान की चाहत के मुताबिक तो उसको सब कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं शीना। मयूरी ने लगभग 10-15 फिल्में साइन कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फिल्में बंद पड़ गई और कुछ फिल्मों ने टेक ऑफ ही नहीं लिया। इससे मयूरी का फिल्म इंडस्ट्री में नाम खराब हो गया। लोग कहने लगे कि मयूरी
प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए अनलकी है, और दूसरी वजह यह थी कि उस वक्त कई नई लड़कियों ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, इसलिए मयूरी को काम मिलना कम हो गया और कभी कभी वो फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस या आइटम नंबर में नजर आने लगी। जब हिंदी फिल्मों में मयूरी को काम नहीं मिला तो मयूरी ने साउथ की तरफ अपना रुख किया और कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अफसोस वहां भी उन्हें नाकामयाबी मिली। ఎంతో మంది మోడల్స్ లో నేను ఒకదాన్ని. ఇక్కడైతే ఇండియన్ మోడల్స్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. అందుకని మమ్మల్ని వదిలేసి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతానంటావా? ఎవరైనా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరి దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలిగా వంశీ. నేను లేకపోయినా నాకంటే బెటర్ పర్సన్స్. జబ్ సౌత్ మే బీ వో అన్సక్సెస్ఫుల్ రహీ తబ్ ఉన్నోనే టెలివిజన్ కి తరఫ్ రుఖ్ కియా ఔర్ కై సీరియల్స్ మే కామ్ కియా జైసే కహీ కిసీ రోజ్, డాలర్ బహు, కిట్టి పార్టీ ఔర్ కుసుమ్. సీరియల్స్ కర్నే కే బాద్ మయూరీ కో లగా కి అబ్ గ్లామర్ వరల్డ్ మే मेरा कोई काम नहीं, इसलिए 2003 में उन्होंने शादी कर ली एक NRI बिजनेसमैन से। उनके पति का नाम है आदित्य ढिल्लन, उनका एक बेटा भी है और बेटे का नाम है रायन। शादी के बाद मयूरी US शिफ्ट हो गई और वहां जाकर उन्होंने अपना अधूरा सपना पूरा किया, जो फिल्मों में काम करने की वजह से वो कर नहीं पाई। उन्होंने MBA किया और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया और फिर गूगल इंडिया की हेड ऑफ इंडस्ट्री बन गई। वो कहती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, जो मकाम मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिला वो मैंने पढ़ लिख कर हासिल किया। आज वो मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के बीच शफल करती हैं और दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। वाह मयूरी वाह। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।